हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डबल फोकस वाली टीवी, जो 17 इंच टीवी आता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर इसका आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो वीडियो को पूरा देखिए। मेरे पास ये 17 इंच का टीवी है, जिसमें आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस नहीं आता है। तो इस टीवी में दोस्तों दो पिन होते हैं फोकस के, जो सीआरटी में होते हैं, तो उनकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, जो भी चैनल हम चला रहे हैं उसमें शार्पनेस और कंट्रास्ट सही नहीं आता, और पिक्चर में जो अक्षर लिखे हुए रहते हैं वो डबल दिखाई देने लगते हैं, बिल्कुल धुंधली पिक्चर सी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये डबल फोकस वाले टीवी में ही इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और ये डबल फोकस की जो दो पिन होती है वो इसी 17 इंच टीवी में ही होती है, 14 इंच या 21 इंच में नहीं आती। इस 17 इंच वाले टीवी में ही डबल फोकस की पिन आती है। तो दोस्तों, इसका क्या इफेक्ट होता है इस टीवी में, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको पीछे से इसे दिखा देता हूँ और इसे हम रिपेयर करेंगे। ईएसटी से भी हम फोकस को सेट करते हैं तो ये काम नहीं करता है, काम तो करता है लेकिन सेट नहीं होता। फोकस और स्क्रीन कंट्रोल यहाँ पे लगे रहते हैं ईएसटी पर, तो इनको सेट करने के बाद भी ये पिक्चर सही नहीं आती। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सीआरटी बेस पर जो पिन होती है उनको देखना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैं इसे हटा देता हूँ सीआरटी बेस को, और आपको मैं दिखाता हूँ फोकस के लिए दो पिन कहाँ पर होती है। तो यह है सीआरटी इसका, तो इसमें आप देख रहे हैं ये पिनें होती हैं, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ दो पिन होती है, ये देखिए, ये देखिए, ये दो पिने हैं, ये फोकस के लिए होती है, और सभी टीवी में एक होती है, लेकिन ये 17 इंच का टीवी आता है इनमें दो आती है। तो इन पिनों को, दोनों को हमें कनेक्ट करना होगा, मतलब दोनों को एक करना होगा, शॉर्ट करना होगा, तब हमारा फोकस सही एडजस्ट होगा। तो ये दो पिने होती है, तो इसमें अभी अलग अलग हैं दोनों, तो इनको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों एक वायर से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को आपस में जोड़ना होगा, तब हमारा ईएसटी से फोकस एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वायर लेकर के हम कोई सा भी वायर ले सकते हैं, और फिर वायर को इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से इनको आपस में टच कर देना है, और टच करने के बाद ये बचा हुआ वायर है इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। तो इस तरह से शॉर्ट करने के बाद फिर से सीआरटी बेस को लगा देना है। यहाँ पर दो आती है लेकिन बेस एक का ही है, दो फोकस वाला बेस भी आता है लेकिन इसमें एक ही है। अब हमारा फोकस सही एडजस्ट किया जा सकता है पीएचटी पर लगे हुए कंट्रोल से। अब देखना पिक्चर को, ये देखिए बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी अब आ गई है इसमें, पहले धुंधली और शार्पनेस
और कंट्रास्ट जब भी हम बढ़ाते थे तो धुंधली सी पिक्चर आ रही थी, क्योंकि एक ही फोकस काम कर रहा था और दोनों फोकस के जो पिन होते हैं उनको आपस में टच करने के बाद बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी आ जाती है। देखिए अब ऑडियो वीडियो सब अच्छे से आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो यही था आज का, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना, जिससे हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।